तो हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल माय अदर वीडियो। टुडे वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इफ यू आर ए लैब टेक्नीशियन। सो लॉट ऑफ द क्वेश्चंस यू वाज आस्किंग मी अर्लियर, सो आई वाज वेटिंग बेसिकली बिकॉज वी आर आई वाज वर्किंग लास्ट 3 मंथ टू क्रिएट दिस कोर्स। सो नाउ फाइनली दिस कोर्स वी आर क्रिएटेड, सो नाउ वी आर लुकिंग इफ यू वांट टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, सो वी कैन हेल्प यू टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। सो बेसिकली this video is going to be in Hindi, so if you do not understand Hindi, so you can read this blog. I have already wrote this about this exam, so I'm just going to discuss in Hindi, but in my next video is going to be in English. So to chaliye baat karte hain ki bhai lab technician agar aapko migration karni hai Australia mein to uski kya requirements hain। to basically lab technician ki job kahan lagti hai Australia ke andar, ye log karte kya hai, aur lab technicians Australia mein agar the na to मैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी जो लैब्स होती हैं वहाँ सब जगह पे जो है लैब टेक्नीशियन को रखा जाता है। इसके अलावा जितने हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ भी इनको रखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी जगह पे क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी जो है इनको रखा जाता है, क्योंकि जो है ना बहुत सारे टाइम्स में जो वहाँ जो है इसका जो है ब्लड सैंपल लेना होता है या बहुत सारे जो सैंपल्स लेने होते हैं, तो वहाँ पर भी जो है लैब टेक्नीशियन की जॉब होती है। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे और जगह पर भी इसकी जॉब हो सकती है, क्योंकि ये लाइक ए हेल्थ साइंस डिग्री है, तो बहुत सारी दूसरी जगह पर इसकी जॉब हो सकती है ना। मगर अगर हम बात करें कि भाई अब सैलरी कितनी मिलती है ऑन एवरेज एक जो लैब टेक्नीशियन को, तो लैब टेक्नीशियन यहाँ पर जो है इसकी सैलरी होती है 80,000 ऑन एन एवरेज, और जो है मैक्सिमम दिखा रहा है 1,16,000 पर ईयर। तो अगर हम माने ऑन एन एवरेज जो है 4 लाख के मतलब 3.5 से लेकर 5 लाख के बीच में एक सैलरी होती है लैब टेक्नीशियन की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आपके मन में आया होगा कि ये लैब टेक्नीशियन और लैब मतलब मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में है ना कि किसको कौन सी पोजिशन मिलेगी ना। तो जो एम्स की जो गाइडलाइन है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने कोई भी अगर आपने डिग्री की हुई है और प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो ना। तो वो बेसिकली वहाँ पर एक उनकी एक कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आप टेक्नीशियन पे जाओगे कि आप जो है साइंटिस्ट पे जाओगे। तो ये बेस्ट इन डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है प्रीवियसली, और अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस आपने कुछ जैसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ रिसर्च किया था, कोई प्रेजेंटेशन आपने किया, या आपने कोई मास्टर डिग्री किया हुआ है उसमें कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माइक्रोबायोलॉजी में कुछ जो है मास्टर डिग्री किया या कोई डिप्लोमा भी कर लिया है, या फिर आप किसी सोसाइटी के कोई जो है मेंबर है ना। मगर उन्होंने अभी दोनों को काम एक ही करना होता है, बस ये टाइटल का डिफरेंस है, और दोनों का जो एग्जाम है वो भी जो है सेम एग्जाम जो है देना पड़ेगा। तो इसके जो स्टेप्स की बहुत ही सिंपल से इसके 4 स्टेप्स है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। और बच्चे की बात दोस्तों ये है कि इसकी जो ये जो लॉन्ग टर्म जो ऑक्यूपेशन की जो शॉर्टेज की लिस्ट है उसमें इसका नाम आता है, तो उसको जो है सारे के सारे वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये एग्ज़ाम को आप पास करने के बाद। और एक एडवांटेज ये भी है कि ये एग्ज़ाम आप अपने घर से ही इसको पास कर सकते हैं, कि आपको कहीं भी सेंटर पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो जो है आप अपने घर से ही लाइव एग्ज़ाम आप लोग को जो है अटेंड करना होगा है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स। नंबर वन के जो स्टेप्स होता है कि आपको जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट नंबर वन पे करनी होगी, क्योंकि जो अगर आपने इंग्लिश पहले आपको पास करनी है इंग्लिश का टेस्ट, उसके बाद ही आपको जो है नंबर 2 स्टेप पे जाना है। तो अगर आपने ये अगर पास नहीं किया है तो आप लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने इंग्लिश बाद में दे दूंगा, पहले मेरा जो है आप जो है डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन करवा दीजिए, तो ये नहीं हो सकता है। ये पहला आपको इंग्लिश पास करनी है, तो हम आपको जो है पहले जो है आपको PTE की क्लास करवाएंगे, वो आपको पास करना होगा, उसके बाद नंबर 2 जो हाँ इसमें एक बात यह कि आपका कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप IAS या TOEFL PTE OET चारों में से कोई भी आप टेस्ट दे सकते हैं, पर जो सबसे इजी जो एग्ज़ाम होता है वो होता है PTE, और आप वो भी आपको एकेडमिक देना है। अगर आपको IELTS में आप जनरल या एकेडमिक दे सकते हो, पर आपको PTE में एकेडमिक देना पड़ेगा, और ओवरऑल जो स्कोर है मिनिमम जो है 65 होना चाहिए, जो उससे ज़्यादा होना चाहिए। सेम फॉर अगर आप IELTS में आपका 7 है एंड जो है ओवरऑल या उससे ज़्यादा है तो भी आपको जो आप एलिजिबल हैं। तो ये है इंग्लिश मैंडेटरी है अपनी, तो इंग्लिश के बाद जो नेक्स्ट
स्टेप आएगा वो है डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन। मतलब डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आपके जो आप एक फॉर्म है उनका वो भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आप उनको भेजेंगे तो फिर वो आपको जो है चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं एग्ज़ाम में बैठने के लिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि आपने कोई भी 3 से लेकर 5 साल कोई भी डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है बीएससी एमएलटी कर लेते हैं या एमएलटी की डिग्री होती है 3 साल की, कई जगह होती है 4 साल की, है ना। जैसे पाकिस्तान में होती है 5 साल की डिग्री होती है। तो ये सारे के सारे लोग डिग्री वाले लोग ही एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, अगर किसी ने अगर डिप्लोमा किया है पहले बाद में उसने उसको डिग्री किया है तो वो भी फिर जो उसको नीचे एलिजिबल हो जाएगा। मगर कोई अगर डीएमएलटी किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है 10th के बाद या 12th के बाद तो वो एलिजिबल नहीं है। तो उसको डिग्री चाहिए तो डिग्री के बाद ही आप लोग उसको एलिजिबल हैं। तो जो उसकी फीस है वो जो है 900 AUD फीस होती है और ये फीस पे करनी पड़ेगी आपको एम्स के लिए। जो एम्स बेसिकली ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड क्लिनिकल साइंटिस्ट जो उनकी एसोसिएशन है वो आपका असेसमेंट करती है, ये बॉडी है इसकी उसका ये। और इसको जो टाइम लग जाता है पूरे इसके प्रोसेस में वो लगता है 3 से लेकर 6 महीने तक, है ना। और फिर नंबर जो अगर आप नंबर 1 पर आपने इंग्लिश को पास करनी है, नंबर 2 पर आपने जो है डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन कराना है, नंबर 3 पर फिर आपको जो है ये एम्स का एग्ज़ाम पास करना है। तो ये बेसिकली दोस्तों जो एग्ज़ाम है ये जो है MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है और इसमें जो है 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये और 150 क्वेश्चंस आएंगे। और मजे की बात ये इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 50% जो है पासिंग मार्क्स होती है। तो जो 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया हुआ है कि उसमें से जो है जो 7 डिसिप्लिन है, एनाटोमिकल पैथोलॉजी है और क्लिनिकल पैथोलॉजी और जो है जीनोमिक पैथोलॉजी है या हेमाटोलॉजी और जो है इम्यूनो पैथोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड जेन ट्रांसफ्यूजन साइंस। ये 7 कंपोनेंट्स है और कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे ये भी उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और देखिए यहाँ पर हम इसकी लाइव क्लासेस करवाते हैं 3 महीने की ऑस्ट्रेलिया से ताकि आप जो है ये एग्ज़ाम पास कर सकें इसके बारे में और आपके लिए बहुत ही ईजी है ऑस्ट्रेलिया को मार्क गेन करने के लिए। अब मैंने जैसे बताया आपको जो है कि ये 150 क्वेश्चन आते हैं और 50% इनकी जो है पासिंग है, मगर ओवरऑल जो आपने क्वेश्चन सही करने हैं वो हैं 80 क्वेश्चन। आपको 150 में से अगर आपने 80 सही क्वेश्चन कर दिए तो आप पास हो जाएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे के सारे MCQ बेस इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है ना। और तो एग्ज़ाम की फीस होती है वो है 800 AUD, तो 800 और 900 ये हो गए 1700 AUD के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। तो ये 1 लाख से कम ही फीस है इंडियन रुपीस में अगर बताऊँ तो आपको। और अगर आप ये देखें कि दूसरे प्रोफेशन से फार्मासिस्ट से ये आधी ही फीस है, उनकी बहुत ज़्यादा फीस होती है फार्मासिस्ट की, मेडिकल डॉक्टर्स की और नर्सिस की और जो है डेंटिस्ट की, है ना। ये तो बहुत ही कम फीस है। और फिर जो है मुझे की बात दोस्तों ये नंबर 4 स्टेप फिर आपको जो है आपने ये पास किया फिर आप लोग को जो लेटर मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप अपना वीज़ा को आप लोग फाइल कर सकते हैं ना। तो वीज़ा जो है इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जनरल स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो है इवन 189 वीज़ा जो नंबर 1 वीज़ा होता है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में तो उसकी लिस्ट में ये आता है और आप ये 189 वीज़ा भी इसको फाइल कर सकते हैं आप लोग, है ना। अपार्ट फ्रॉम तो इसमें जो है ना ये फार्मासिस्ट को ये वीज़ा नहीं मिलता है क्योंकि वो उस लिस्ट में नहीं आता है, वो स्टेट की जो शॉर्ट लिस्ट है शॉर्ट टर्म की जो शॉर्टेज चल रही है उसमें आता है फार्मासिस्ट और ये लॉन्ग टर्म में आता है। तो ये एडवांटेज है आपके लिए ना अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं। और जो है आपने 190 आप कर सकते हैं 491, तो 3 वीज़ा तो PR वीज़ा जो होते हैं वो तीनों के तीनों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क वीज़ा है 482 या 494 वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और वीज़ा होता है ट्रेनिंग वीज़ा 407 वो भी आप लोग वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि ये 4 स्टेप्स हैं वो आपको कंप्लीट करने बहुत ही ईजी है कि आप अपने घर से ही पास करने के बाद उसको आप लोग जो है माइग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपके अगर डाउट्स हैं तो प्लीज लीव कमेंट, आई विल रिप्लाई। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो सो आई कैन मेक मोर वीडियो फॉर यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।